हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गर्ल्स, अगर आप लोग इंडियन कुर्ती पहन पहन के बोर हो चुकी हैं, तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ कुर्ती का एक बिल्कुल अलग डिजाइन जो आप अपने लिए बनवा सकती हैं। कुर्ती का ये वाला डिजाइन मेनली इंडियन नहीं है, ये डिजाइन है वियतनामी, क्योंकि वियतनाम में ये कुर्ती बहुत ज्यादा पहनी जाती है स्टार्टिंग से ही। वियतनाम में इस कुर्ती को एओ डाई के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस कुर्ती को बनाने के लिए आपको कौन से फैब्रिक की जरूरत पड़ेगी, और उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे इस कुर्ती के लिए कलर कॉम्बिनेशन। फर्स्ट कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ग्रीन एंड ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन आप इस कुर्ती के लिए बना सकते हैं। उसके अलावा ऑरेंज एंड ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन भी इस कुर्ती के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है फैब्रिक। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी फैब्रिक उठा के ये वाला कुर्ती का डिजाइन बना सकते हो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको एक स्पेसिफिक फैब्रिक की हेल्प से ही आप इस कुर्ती को बनवा सकते हो। तो ध्यान से सुनिए, आप इसको बनाने के लिए सिर्फ दो टाइप के फैब्रिक यूज कर सकते हो। एक तो है आपका सिल्क का फैब्रिक और दूसरा है आपका सैटिन। कलर कंट्रास्ट का आइडिया देने के लिए हमने यहाँ पे टोटल 13 डिजाइन डाले हैं। आप 13 में से कोई भी कलर कंट्रास्ट अपने लिए चुन सकती हो। फिलहाल जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो कलर कॉम्बिनेशन वो है पर्पल एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन भी आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। ओके, तो जो लड़कियां ये कुर्ती अपने लिए बनवाने की सोच रही है उनके लिए एक या दो टिप मैं जरूर देना चाहूंगी ये कुर्ती बनवाने से पहले। अगर आप ये कुर्ती बनवाने की सोच रही हैं तो दो चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। पहली चीज़ ये कि आपकी हाइट अच्छी होनी चाहिए, और दूसरी बात ये कि आप थोड़ी स्लिम होनी चाहिए, तभी ये कुर्ती आप पे सूट करेगी। इस कुर्ती को बनवाना कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसानी से ये वाली कुर्ती बनाई जा सकती है बुटीक की हेल्प से। उसके अलावा अगर आप चाहो तो ऑनलाइन भी आपको ये वाली कुर्ती ईजिली मिल जाएगी। डिज़ाइन नंबर 8 में आप देख सकते हैं कैरेट एंड वाइट कलर का बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा आता है डिजाइन नंबर 7। यहाँ पे ग्रीन कलर एंड लाइट पिंक कलर का कॉम्बिनेशन बनाया गया है, और साथ में कुर्ती पे हल्का हल्का ग्रीन कलर का वर्क हो रखा है। ऑरेंज कलर में भी आप ये वाली कुर्ती बनवा सकते हैं, जैसे आप डिजाइन नंबर 6 में देख रहे हैं। इस टाइम ऑरेंज एंड व्हाइट कलर में कॉम्बिनेशन बनाया गया है इस कुर्ती के लिए, वो भी काफी अच्छा लुक आपका क्रिएट कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि इसको बनाने के लिए आपको कंट्रास्ट कलर की ही जरूरत पड़ेगी, आप सेम सिंगल कलर से भी ये वाली कुर्ती डिजाइन करवा सकते हैं। डिजाइन नंबर 5 में देख सकते हैं कि स्काई ब्लू कलर का ही फैब्रिक लिया गया है, और उसी से कंप्लीट सेट हमारा तैयार किया गया है। उसके अलावा आप लाइट ऑरेंज कलर भी यूज कर सकते हो इस कुर्ती को बनवाने के लिए। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि लाइट ऑरेंज कलर का अगर आप डिजाइन बनवाते हो तो कैसा लुक आपको मिलेगा। इस कुर्ती के साथ जो प्लाजो यूज होता है वो काफी हाई वेस्ट प्लाजो यूज होता है, तो आपको बनवाते टाइम इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप प्लाजो इस वाली कुर्ती के लिए बनवाओ तो आपको हमेशा हाई वेस्ट वाला प्लाजो ही बनवाना है। अगर आप इस कुर्ती सेट को सिंगल कलर से ही बनवाना चाहती है तो आपके रेफरेंस के लिए हमने इस वीडियो में 4 से 5 सिंगल कलर वाले भी सैंपल डाल दिए हैं, तो आप वहां से आइडिया ले सकती हैं। सो गाइज, मैं आपसे मिलती हूं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।